हेलो इंडिया, मैं हूँ सैम फ्रॉम सैम एंड जस्ट हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं हमारे पास में फेस शेप्स और उनको सूट होने वाले हेयर कट्स के लिए। तो आपके रिक्वेस्ट से आज हम ये जानेंगे कि फेस शेप्स और उनके हेयर कट्स। पहले तो हम जानेंगे फेस शेप कितने तरीके के होते हैं। अगर हम फेसेस को बेसिक शेप्स में डिवाइड करें तो वो 6 तरीके के होंगे, जैसे कि राउंड, स्क्वायर, डायमंड, हार्ट, लॉन्ग एंड ओवल। तो सबसे पहले बात करेंगे राउंड फेस के बारे में। राउंड फेस अगर है किसी का तो बाल जो है वो चिन लेवल से छोटे नहीं होने चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि जो फेस शेप है उसको लंबा दिखाएं, मतलब लॉन्ग दिखाएं। ये पोर्शन जो है हम कॉन्टोर करेंगे बालों के हेल्प से। कॉन्टोर करना मतलब बालों की मदद से एरिया को छुपाना। राउंड फेस में आगे के जो बाल हैं उसको लंबे रखें, उसको बहुत छोटे ना करें, छोटे फ्रिंजेस भी नहीं करें और राउंड लेयर्स नहीं देंगे आप। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सूट होता है वो स्क्वायर एंड लॉन्ग लेयर्स। अब बात करते हैं स्क्वायर फेस के बारे में। स्क्वायर फेस जिसमें ये जॉ लाइन, चीक्स और चिन एकदम प्रोमिनेंट होता है, ऐसे होता है स्क्वायर फेस। अब स्क्वायर फेस को बैलेंस कैसे करें? स्क्वायर फेस के लिए मीडियम वेव्स सबसे अच्छे लगते हैं, जहां पे बाल इस एरिया पे आते हैं। इस एरिया पे ज्यादा आप बाल रखोगे स्क्वायर फेस के लिए तो वो स्क्वायर फेस को बैलेंस करेगा। ऐसे फेस शेप के लिए फ्रिंजेस आर द मस्ट, मतलब फ्रिंजेस रखेंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, बैलेंस करेगा ये एरिया को, कॉन्टोर करेगा। ओके, साइड फ्रिंजेस सबसे अच्छे लगेंगे। ऐसे फेस के लिए मीडियम लेयर्स, लॉन्ग कर्ल्स या मल्टीपल लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बॉब देना है तो ग्रेजुएटेड बॉब अच्छा लगेगा। बॉब में वन लेंथ बॉब को अवॉइड करें। अगर आपको स्क्वायर फेस को एनहांस करना है, मतलब स्क्वायर को स्क्वायर ही रखना है, तभी वन लेंथ बॉब अच्छा लगेगा। अब आते हैं हार्ट शेप के ऊपर। हार्ट शेप जो होता है यहाँ से चौड़ा होता है और यहाँ से पतला होता है, मतलब जो चिन होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है और जॉ लाइन होती है बहुत स्लीक। स्लीक मतलब पतली। अब ऐसे फेस शेप के लिए चीक्स और आईज पे अटेंशन ज्यादा करेंगे हम। ऐसे शेप के लिए लेयर्ड हेयर कट बहुत अच्छा दिखेगा, जो कि जॉ लाइन से नीचे से स्टार्ट होता है। लेयर्स मीडियम रखें, लेंथ मीडियम रखें, शोल्डर लेंथ इज द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ शेप। अब डायमंड फेस शेप। डायमंड में ये जो पोर्शन होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, बाहर होता है, मतलब जो चीक बोन्स है वो बाहर होते हैं। इसमें हम स्ट्रेट हेयर नहीं रखेंगे। ऐसे शेप के लिए मीडियम लेंथ हेयर बहुत अच्छे लगते हैं विद साइड पार्टिंग। पार्टिंग को हम साइड में रख सकते हैं। फ्रेमिंग फ्रिंजेस रखें चीक्स तक, ये बहुत अच्छा दिखेगा। जो फ्रेम करता है, मतलब फ्रिंजेस होते हैं जो यहाँ से फ्रेम करते हुए आते हैं यहाँ तक। ऐसे फेस शेप के लिए पिक्सी हेयर कट भी बहुत अच्छा लगता है। अगर शॉर्ट में जाना है तो पिक्सी इज द बेस्ट हेयर कट फॉर दिस काइंड ऑफ शेप। अब आते हैं लॉन्ग फेस शेप के ऊपर। लॉन्ग मतलब लंबा, यहाँ से भी लंबा और यहाँ से भी लंबा। ऐसे फेस शेप के लिए फ्रिंजेस आर अ मस्ट, मतलब आपके फोरहेड को कवर करना है फ्रिंजेस से हमेशा। इसमें राउंड लेयर्स लुक्स द बेस्ट। ऐसे शेप के लिए राउंड लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि राउंड लेयर्स वॉल्यूम देते हैं हर जगह से। लंबे बाल अवॉइड करें, लंबे बाल ना रखें लॉन्ग फेस अगर है तो, नहीं तो वो और लॉन्ग दिखेगा। राउंड लेयर्स इज द बेस्ट। अब बात करेंगे ओवल फेस शेप के बारे में। ओवल शेप इज द बेस्ट शेप टू हैव, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लेंथ, कोई भी टेक्सचर सूट करता है। जितना चाहे एक्सपेरिमेंट करो, चाहे शॉर्ट लेंथ में या फिर लॉन्ग या फिर मीडियम में, एनीथिंग विल लुक गुड ऑन ओवल शेप। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एक बेसिक गाइडलाइन है। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट एंड पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत मायने रखती है। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल काम या पर्सनल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक क्लाइंट को सबसे अच्छा हेयर कट या सबसे अच्छा रिजल्ट आप कैसे दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके काम को और निखारेगी। ऐसे ही और बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।